हेलो फ्रेंड्स, हमेशा से हम फलों और सब्जियों के सेवन के बारे में सुनते आए हैं कि ये खाने से ये फ़ायदे और वो खाने से वो फ़ायदे, लेकिन कभी भी हमने ये नहीं सोचा कि फूल, जिनका इस्तेमाल हम घरों के सजावट के लिए करते हैं और जो हमारे मूड को फ्रेश कर देता है, क्या ये हमारे खाने के भी काम आ सकते हैं और इसका हमारे सेहत पर कैसा असर पड़ता है। तो चलिए, आज के इस वीडियो में हम ये जानते हैं कि फूलों का हमारे सेहत पर क्या असर पड़ता है। फूलों के अंदर कैरोटीनॉइड, फ्लेवोनॉइड्स और फेनोलिक एसिड एंथोसाइनिन भरपूर मात्रा में पाई जाती है और फूलों में इन्हीं क्वालिटीज़ की वजह से इसमें एंटीऑक्सीडेंट भी पाए जाते हैं। इसके अलावा फूलों के अंदर प्रोटीन, कैरोटीन, तेल, विटामिन और सैंक्राइड्स जैसे पोषक तत्व भी शामिल हैं। आमतौर पर ये सभी तत्व पत्तेदार सब्जियों के अंदर भी पाए जाते हैं और अगर आप भी सेहतमंद रहना चाहते हैं तो आइए फूलों के उपयोग के बारे में जानते हैं कि हम किन किन फूलों का सेवन कर सकते हैं। तो पहला है गुलहड़ के फूल यानी हैबिस्कस। इसके सेवन से डाइजेस्टिव सिस्टम ठीक रहता है और ये शुगर और कोलेस्ट्रॉल लेवल को नियंत्रित रखता है। इसका उपयोग आप चाय और जूस के रूप में कर सकते हैं और साथ ही साथ ये आपके सुंदरता को बढ़ाने में भी मदद करती है। हैबिस्कस पाउडर आप फेस मास्क और स्किन मास्क के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं। यह आपके स्किन पर आने वाले एजिंग साइन को डिले करती है और बालों में चमक और शाइन बनाए रखती है। दूसरा है लैवेंडर। इस फूल के अंदर भी बहुत सारे गुण हैं। ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम को कंट्रोल करने का काम करता है और साथ ही साथ ये कई तरह के संक्रमण से भी बचाता है और मांसपेशियों में होने वाले ऐंठन को भी कम करता है। और तीसरा है गुलाब यानी रोज फ्लावर। स्टडीज से पता चलता है कि इस फूल के अंदर बहुत से एंटीऑक्सीडेंट गुण होते हैं और साथ ही साथ इसमें विटामिन्स और मिनरल्स भी बहुत मौजूद होते हैं और ये कई तरह के जूस और शरबत बनाने में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है, जिससे कि ताजगी और स्फूर्ति की एहसास होती है। चौथा है रोजमेरी फ्लावर। दूसरे फूलों से ये बिल्कुल अलग है। इसका इस्तेमाल ज़्यादातर गार्निशिंग के तौर पर किया जाता है। इसके अंदर विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी पाया जाता है और इसमें आयरन भी भरपूर मात्रा में होते हैं। पांचवा है गेंदे का फूल यानी मैरीगोल्ड। इस फूल का इस्तेमाल भारत में पूजा के लिए किया जाता है, साथ ही साथ कई तरह के सजावट के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। और छठा है चमेली यानी जैस्मिन फ्लावर। इसका इस्तेमाल भी ज़्यादातर घरों के सजावट के लिए किया करते हैं और इसके अलावा मीठे व्यंजन में स्वाद बढ़ाने के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। इस फूल के अंदर भी एंटीऑक्सीडेंट भरपूर मात्रा में होते हैं जो सेहत के लिए ज़रूरी और फ़ायदेमंद होते हैं। सातवां है सूरजमुखी यानी सनफ्लावर। दिखने में जितना खूबसूरत होता है उतना ही इसके फ़ायदे भी हैं। इस फूल के अंदर बहुत से मिनरल्स, विटामिन्स पाए जाते हैं। इसके अलावा इसमें फ्लोनाइट्स भी मौजूद होता है। इसके फूल ही नहीं, इसके तने और इसकी कलियाँ भी बहुत फ़ायदेमंद होती हैं और इसके बीज बहुत सारे बीमारियों से बचाता है। इसके बीजों के सेवन से डायबिटीज़ और कोलेस्ट्रॉल लेवल को भी कंट्रोल रखा जा सकता है। और आठवां है कमल, लोटस फ्लावर। यह भारत का राष्ट्रीय फूल है। इसका इस्तेमाल एशियाई देशों में चाय के रूप में किया जाता है और इसकी पत्तियाँ भी बहुत फ़ायदेमंद होती हैं। इसमें विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी पाई जाती है। इसके सेवन से भी कई तरह की बीमारियों से बच सकते हैं। लेकिन जब कभी भी इन फूलों का सेवन करें बिना डॉक्टर के सलाह के ना करें। तो चलिए, आज के लिए इतनी जानकारी। हमारी जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें। शुक्रिया।